महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण के लिए अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार 28 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में एटीआर रिपोर्ट मराठा आरक्षण को लेकर जो है वो टेबल करने जा रही है। हालांकि विपक्ष ने सरकार की इस नीति का विरोध जो है वो विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि विपक्ष और सरकार के बीच में इस पूरे मसले पर घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से विधानसभा का सत्र इसी वजह से पूरी तरीके से चल नहीं पाया, कई बार कार्रवाई जो है विधानसभा की स्थगित करनी पड़ी है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार को जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंपी है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो टेबल करनी चाहिए, लेकिन सरकार को इस बात का डर है कि अगर पूरी रिपोर्ट टेबल कर दी तो कई वकील जो है इस रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट चले जाएंगे और वहाँ से स्टे ऑर्डर लेकर आ जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को। यही वजह है कि सरकार पूरी रिपोर्ट जो है वो टेबल करना नहीं चाहती। सरकार का यह कहना है कि कानून के तहत जो सरकार को अधिकार है कि एटीआर रिपोर्ट यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो टेबल कर सकती है, और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कल यानी 28 नवंबर को सरकार मराठा आरक्षण को लेकर जो अपनी रिपोर्ट है वो टेबल करेगी, और 30 नवंबर को इस विधेयक को सरकार विधानसभा और विधान परिषद से पास कराकर राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजेगी, और फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर होने के बाद महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण जो है वो लागू कर दिया जाएगा। जो हमें जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक 5 दिसंबर तारीख तय की गई है, 5 दिसंबर से महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने की तैयारी सरकार की है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, 3 साल पहले से ही जो मराठा समाज है उन्होंने फडणवीस सरकार पर मराठा आरक्षण को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। करीबन 58 मोर्चे मराठा समाज ने महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में निकाले और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। यही वजह थी कि मोर्चों के बाद जो फडणवीस सरकार है उन्होंने ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में सरकार है, और उसकी कार्रवाई जो है वो सरकार ने पूरी की। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एनसीपी सरकार ने भी मराठाओं को आरक्षण दिया था, लेकिन राणे समिति की जो रिपोर्ट थी वो हाईकोर्ट में फंस गई और हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रोसेस को पर स्टे लगा दिया, इसीलिए मराठाओं को आरक्षण जो है वो नहीं मिल पाया था। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार फडणवीस सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की से इस पूरे मसले पर रिपोर्ट तैयार करने की विनती की। 2 लाख लोगों से पिछड़ा वर्ग आयोग ने सर्वे के तहत बात की और अलग अलग समाज के लोग थे। उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई वो रिपोर्ट 15 नवंबर को सरकार को सौंपी, कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया, और अब ये वक्त जो है फडणवीस सरकार ने ला दिया है कि कुछ घंटों के बाद ही मराठा समाज को महाराष्ट्र में जो है वो आरक्षण मिल सकेगा। फडणवीस इस बात के इशारा पहले ही कर चुके थे, उन्होंने शिरडी में एक बयान में कहा था कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो मराठा समाज के अलग अलग जिलों में जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने अब अपना आंदोलन बंद कर देना चाहिए और जश्न की तैयारी शुरू करना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख के बाद मराठा समाज को महाराष्ट्र में जश्न करने का मौका मिलेगा। और उसी लाइन पर फडणवीस सरकार दिख रही है, 28 नवंबर को एटीआर रिपोर्ट रखा जाएगा और 30 तारीख को इसे मंजूर कराया जाएगा, और जो हमें पता लगा है वो यही है कि 5 दिसंबर से मराठा समाज को आरक्षण जो है वो दिया जाएगा।